यदि आप कुछ भी बेचना चाहो ए बी सी डी में बेचो। ए बी सी डी का मतलब एस्ट्रोलॉजी, बी फॉर बॉलीवुड, सी फॉर क्रिकेट और डी फॉर डिवोशन। जहां जितने भी एस्ट्रोलॉजी की एड मिलती है कहीं भी नहीं मिलती। इसका मतलब ये बिजनेस सबसे बड़ा चल रहा है। जो लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा पैसा उसमें से कमा रहे हैं। हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने लिखा ABCD। यदि आप, मैंने कोई वीडियो देखी थी, उसमें बताया गया कि ABCD का क्या मतलब है। यदि आप कुछ भी बेचना चाहो ABCD में बेचो। ABCD का मतलब एस्ट्रोलॉजी, बी फॉर बॉलीवुड, सी फॉर क्रिकेट और डी फॉर डिवोशन। अब आप कहीं भी टीवी लगा लो, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो को लगा लो, कुछ और लगा लो, जहां भी आपको फेसबुक लगा लो, तो फेसबुक में जहां जितने भी एस्ट्रोलॉजी की एड मिलती है कहीं भी नहीं मिलती। इसका मतलब ये बिजनेस सबसे बड़ा चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी में लोगों को क्या समझा के बेच रहे हैं कि आपका फ्यूचर क्या है जी, आपको ये चीजों का आपने ध्यान रखना है, आपकी ग्रोथ इस तरीके से होगी, आपके बच्चे इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके। हालांकि मैं उसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा पैसा उसमें से कमा रहे हैं। तो ABCD में, ए तो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में आप समझ सकते हो कि हर एक चौथी एड इनकी आती है, जो एस्ट्रोलॉजी में काम करता है, हर एक तीसरी चौथी एड इनकी होती है। तो उसके बाद बी फॉर बॉलीवुड है। बॉलीवुड का मतलब है जो फिल्मी स्टार। अब फिल्मी स्टार के बारे में जो बंदा लिख रहा है, जो उनकी इंटरव्यू कर रहा है, जो उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो आदमी की भी दुकानदारी चल रही है। क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मेरे को फिल्मी स्टार के बारे में पता लगे, हमें फिल्मी स्टार के बारे में उसकी क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या करते हैं, उसके बच्चे क्या हैं, बच्चे कितने हैं, वाइफ क्या करती है, ये सारी चीजें वो उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो ये इसके बारे में भी यदि कोई चीज आप बेचना चाहते हैं तो सपाट जगह चीज बिक सकती है इनकी। तो अगला जो है क्रिकेट का, क्रिकेट को मेरे तो लोग क्रिकेटर को तो भगवान तक मानते हैं। तो जो आदमी क्रिकेट में काम करते हैं, क्रिकेट में इतना ज्यादा मतलब वो स्कोप है, काम करने का स्कोप है क्रिकेट में, तो लोग दड़ा सट्टा लगाने के ऊपर भी पैसे कमा रहे हैं। जो लोग मैच को स्पॉन्सर करते हैं या मैनेज करते हैं, वो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सो इसमें क्रिकेट में मतलब ये ऐसे फार्मूले हैं, चार मतलब ऐसी चीजें दी हैं जिसमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं, जो मतलब इन्हें बेचने के लिए हमें जोर लगाना नहीं पड़ता। लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं। डी फॉर डिवोशन है, डिवोशन का मतलब धार्मिक। तो जो धार्मिक के ऊपर, जितना लोग इंडिया में धार्मिक है, 90% लोग धार्मिक है, तो धार्मिक होने की वजह का मतलब यही है कि वो लोग अपने आप धर्म वाली तरफ चलते हैं। जो आदमी, मैं कह रहा हूं, वो उसका गुलशन कुमार का लगा लो, गुलशन कुमार डिवोशनल ऑडियो देता था, तब वो कैसेट बेचता था, तो वो देख लो कितना बड़ा, कितना अमीर आदमी था वो। तो जो भी डिवोशनल के साथ भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो आप प्रचार करता हो, चाहे वो उसमें कोई बिजनेस कर रहा हो, तो वो भी आदमी कामयाब है। तो आपने ABCD का फार्मूला याद करना है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते, ये फार्मूले बहुत सिंपल हैं, इसमें अच्छा बिजनेस आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी का काम करने में यदि आपको मतलब थोड़ा सा लगता है कि जोर ज्यादा लगता है उसमें, या स्टॉक मार्केट में जोर ज्यादा लगता है, या दूसरे कामों में थोड़ा जोर ज्यादा लगता है, तो आप ये फार्मूले भी इसमें भी ट्राई कर सकते हो। इसमें हो सकता है इसमें आपको बहुत जल्द कामयाबी मिल जाए। तो ये फार्मूले जो चार हैं, आपने अपने दिमाग में लिख लेने हैं, अपने अपने नोटबुक में नोट कर लेने हैं, और इसके बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा भी करना है कि हमने राजवंत सर की वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने ये कहा है। तो आप इसके ऊपर चर्चा करोगे तो डेफिनेटली आपका भी बिजनेस करने का कुछ कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक वीडियो में मेरे चैनल के साथ बने रहें और सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा। थैंक यू वेरी मच।